बीपीएससी तैयारी, बिहार में शिक्षक बनने की एक ख्वाहिश, और इस ख्वाहिश को अगर आप पूरा नहीं कर पाए हो, बीपीएससी तैयारी का आवेदन आप नहीं कर पाए हो, तो आपके लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी ने एक बार फिर से बीपीएससी तैयारी आवेदन की तारीख को विस्तारित किया। किसी तारीख पर सिमट जाने वाली दिल लगी मोहब्बत कहलाने के लायक नहीं होती, और शायद इस फलसफे को बीपीएससी ने अपने दिल से लगा लिया है। और एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई आवेदन तिथि का विस्तार हुआ है। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर है, 20/7/2022 से 22/7/2022 तक निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि सीधे तौर पर कहा जाए तो अब 22 तारीख तक आवेदन तिथि का विस्तार किया गया। इसे हम बिहार सरकार और बीपीएससी की दोगली नीति ही कहेंगे कि पहले तो आम अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए पूरी रात है जगवाया, सर्वर की समस्या में फंसा फंसा कर खून के आंसू है रुलाया। सोचिए कि अभ्यर्थियों को मात्र 2 महीने तैयारी के लिए दिए गए और अभ्यर्थियों ने लगभग 10 दिन इस आवेदन के चक्कर में अपना बर्बाद किया है और खून के आंसू रोए हैं। अभ्यर्थियों ने अपनी पढ़ाई को बर्बाद किया है और अब अंतिम समय में तारीख बढ़ाया जा रहा है, तो आम अभ्यर्थियों में इस मुद्दे को लेकर रोष है कि यही बात अगर पहले कह देते तो आम अभ्यर्थी परेशान नहीं होते, रात भर जग जग के आवेदन नहीं करते, अपनी पढ़ाई को बर्बाद नहीं करते। ये बीपीएससी कहती है कि हम परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो किसने इसको हक दिया कि आम अभ्यर्थियों के समय को बर्बाद करें? 10 दिन का हिसाब कौन देगा? क्या देंगे अतुल प्रसाद, या देंगे तेजस्वी यादव, या देंगे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, या देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? जवाब दे, आखिर समय की बर्बादी क्यों की गई? ऐसे में बीपीएससी टीआरई आवेदन को लेकर जिन अभ्यर्थियों ने रात रात भर जागा, उनका दिल ये कहता है कि गहरी थी रात मगर हम सोए नहीं, दर्द बहुत था इस दिल में मगर हम रोए नहीं। अजी कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे कि जाग रहे हो किसके लिए और किसके लिए सोए नहीं। वीडियो में अंत तक बने रहे, पूरे लेटर और अन्य खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पर पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चक्षु पब्लिकेशन की बड़ी पेशकश आपके स्क्रीन पर, बीपीएससी टीआरई प्राथमिक शिक्षक बहाली स्टडी गाइड आपके स्क्रीन पर है। 26 जून 2023 के संशोधन के आधार पर तैयार बीपीएससी टीआरई प्राथमिक शिक्षक बहाली गाइड आपके स्क्रीन पर है। पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण आपके स्क्रीन पर है। पेपर 100 अंक और पेपर 2 120 अंक का विश्लेषण आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बड़ी पुस्तक का लिंक है, आप सीधे लिंक पर क्लिक करके इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। 2500 से भी अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ ये पुस्तक अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, ऐसा चक्षु पब्लिकेशन का दावा है। और चक्षु पब्लिकेशन ने इस संबंध में और भी पुस्तकें उपलब्ध कराई है जो आपके स्क्रीन पर हैं। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। आगे लेटर आपके स्क्रीन पर है, मुख्य बिंदुओं से आपको रूबरू कराते हैं। लिखा है कि अंतिम तिथि 15/7/2023 को पुनः विस्तारित करते हुए दिनांक 19/7/2023 तक स्थिति को विस्तारित किया जाता है। यदि उक्त विस्तारित तिथि तक भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो दिनांक 20/7/2023 से 22/7/2023 तक निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट में कहा था कि अगर आप खंड 2 में ज्योग्राफी लेते हैं तो मात्र 2 विषय पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आप आगे ले सकते हैं, पर अगर आप इतिहास रखते हैं खंड 2 में तो आप तीनों ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स तीनों को आगे रख सकते हैं खंड 3 में। यह ट्वीट आपने कल देखा और आज ये बड़ा फरमान आया है। इस बीच OTR की बात भी आ रही है सामने कि अब 1-time रजिस्ट्रेशन भी अब BPSC करवा रहा है। एक बार रजिस्ट्रेशन करिए और लगातार BPSC की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। देखना यह है कि आगे रोज और नए क्या क्या फलसफे निकल कर आते हैं। बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। अंत में, अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से BA, DL, MED, PG, PhD की पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।